Hello my dear friends and student, I welcome you again on this YouTube channel. In the previous video I have covered strings in Python. So in the string in Python we have covered introduction of the string, what is the string, collection of alphabets, anything that is included in a single, double and triple quotes. We have covered introduction, how to find out length of the string, single line and multiple line strings, ये सभी हमने कवर किया था. देन ट्रेवर्सिंग ऑफ द स्ट्रिंग, आई हैव कवर्ड दीज टू टॉपिक्स इन द स्ट्रिंग वीडियो वन. एंड आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग स्लाइसिस, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट सम करेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे. देन इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव कवर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस एंड हाउ कैन वी यूज स्ट्रिंग फंक्शंस इनसाइड द प्रोग्राम. सो ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. नाउ अब चैप्टर आप लोगों के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस ऑन द स्ट्रिंग. सो टुडेज टॉपिक इज प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस ऑन द स्ट्रिंग. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. किस तरह से हम स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आप लोगों के पेपर में आ सकती है. हम यहाँ पर केवल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे फिलहाल के लिए. आउटपुट कैसे फाइंड आउट होंगे, एरर कैसे फाइंड आउट होंगी, उसके बारे में बात अभी इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, सारे तो नहीं कवर हो सकते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर करूँगा मैं और उनकी वर्किंग को देखेंगे किस तरह से हो रहे हैं वो. तो यदि आपको वर्किंग का आइडिया लग जाता है तो आप आराम से अपने प्रोग्राम्स को, कोई और भी प्रोग्राम आता है तो उसको डिज़ाइन कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन द स्ट्रिंग. And here the first program. The program to check a string is palindrome or not. आपको याद होगा हमने traversal of the string के अंदर एक program किया था जिसमें हमने reverse string भी string को reverse के अंदर भी print करवाया था. So palindrome string क्या होती है? Basically यदि हम बात करें जैसे एक string है नितिन, NITIN. यदि आप इसको left to right read करते हो तो भी नितिन ही रहेगा, और राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं तो भी नितिन ही रहेगा. दैट मीन्स यदि मैं इसको रिवर्स करता हूँ, यदि मैंने इसको रिवर्स किया तो भी क्या आएगा हमारे पास में, नितिन ही आएगा. दैट मीन्स एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका रिवर्स वो की वो ही स्ट्रिंग रहती है तो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग. सो इस प्रोग्राम को करने के देखिए काफ़ी सारे वे हैं. सो यहाँ पर इस प्रोग्राम को करने के लिए जो टू वेज हैं, मैं उन दोनों वे की बात करूँगा. तो कैसे करना है पहले तो उसकी बात करते हैं. देखिए सपोज दैट आपने कोई भी एक स्ट्रिंग एंटर की हुई है. एग्जांपल ले लिया मैंने, नितिन ही लिया है. ओके हमें करना क्या है, आपको पूरा आइडिया है कि नितिन कंप्यूटर में किस तरह से सेव होगा. हर एक करेक्टर को एक इंडिविजुअल इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4. सो नाउ टू चेक ए स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, वी हैव टू वेज. द वे नंबर वन इज स्टार्टिंग करेक्टर को लास्ट वाले करेक्टर से मैच करवाएंगे. क्या किया हमने, जो कोई भी एक स्ट्रिंग है उसका जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे पहला अल्फाबेट है जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला, उसको हम किससे कंपेयर करवाएंगे, एल माइनस वन वाली स्ट्रिंग, एल माइनस वन वाले करेक्टर से. यदि ये दोनों इक्वल हैं तो उसके बाद में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला करेक्टर स्ट्रिंग में, सॉरी वो है आई, आई को हम किससे कंपेयर करवाएंगे, जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर आई है उससे कंपेयर करवाएंगे. सो जीरो वन, जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर सबसे लास्ट वाले करेक्टर से कंपेयर हुआ, देन फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर सेकेंड लास्ट करेक्टर से होगा. सो एक साथ आपका हमें यहाँ पर एक लूप चलाना होगा जिसमें हर बार एक ही करेक्टर स्टार्टिंग से और एक एक करेक्टर लास्ट से कंपेयर होगा. तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, 5. सो 5 का हमें इंटीजर डिविजन करना होगा 2 से, तो कितनी बार लूप चला हमारा, 2. यानी कि यदि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 10 है, तो आपका लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा. क्योंकि एक बार जब इटरेशन कंप्लीट हो रही है तो हमारा जो आउट हमारे दो करेक्टर आपस में कंपेयर हो रहे हैं. सो एक तो बेसिक ये है, ये प्रोग्राम टू वे से करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर. एक वे तो ये है जिसमें हर एक करेक्टर को हमने लास्ट वाले करेक्टर से कंपेयर किया है. दूसरा है, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसके पास में नितिन है, एक रिवर्स स्ट्रिंग नेम से वेरिएबल और लेंगे, उसके पास में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग का रिवर्स स्टोर करवा देंगे. अब रिवर्स कैसे करेंगे, ये आपने एक फोर लूप चलाया था
जिसके अंदर आपने किया था 4i इन रेंज। रेंज के अंदर हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, l माइनस वन से स्टार्ट किया था, माइनस वन एंड माइनस वन, स्टेप माइनस वन करेंगे। यहाँ पर आर एस इक्वल टू आर एस प्लस क्या करेंगे, s ऑफ i कर दिया। तो यहाँ पर इस आर एस के पास में क्या आ जाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी। इसको हम कंपेयर करवा लेंगे, इफ आर एस इज इक्वल टू s, यदि है तब तो वो आपका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, अदरवाइज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो दोनों ही प्रोग्राम एक जैसे हैं, दोनों प्रोग्राम में हमें फोर लूप चलाना होगा। देखिए स्ट्रिंग के ऊपर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें एक एक करेक्टर के बीच में ट्रेवर्सल करना होगा, और ट्रेवर्सल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेवर्सल ऑफ द स्ट्रिंग देखा था, उसमें किस तरह से हमें प्रोग्राम को क्रिएट करना है, किस तरह से एक एक करेक्टर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो आप लोगों ने किया हुआ है। सो ये प्रोग्राम का जो बेसिक फंडामेंटल है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का, वो ये है। अब इसको हम प्रोग्राम, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है आपका कि किस तरह से हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक करेंगे। अब ये दोनों ही एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करके शो कर रहा हूँ आपको। तो देखिए जुपाइटर में करते हैं इन दोनों ही प्रोग्राम को, कैसे होगा ये। सो सबसे पहले मैंने जो वे बताया था जिसमें हमने क्या करना है, एक लूप को चलाना है जो एल बाई टू चलेगा, यानी कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे हाफ टाइम चलेगा। तो पहले तो इसको करते हैं, उसके बाद में दूसरा वे मेथड करते हैं, दोनों प्रोग्राम करके देखते हैं। देखिए मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी आपको कि एक ही प्रोग्राम को करने के बहुत सारे वे हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है, आपको कौन सा समझ में आ रहा है, आप वो प्रोग्राम ट्राई कीजिए। सो इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक इनपुट स्ट्रिंग चाहिएगी। तो हमने यूजर से एक इनपुट में स्ट्रिंग फाइंड आउट करवा ली, इनपुट में स्ट्रिंग ले ली। देन इसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, लेंथ नेम से वेरिएबल ले लिया, ओके। देन आगे यदि कोई वेरिएबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में भी ले सकते हैं। देखिए हमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रोग्राम्स का रट्टा मारना है। हमें लूप कितनी बार चलाना है, लेंथ का हाफ चलाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मिड नेम से वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू में क्या आएगा, एल इंटीजर डिवीजन टू करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पर एक फोर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फोर आई इन रेंज। रेंज के अंदर क्या, हमें जीरो से लेके मिड तक जाना है। सो हमने एक लूप चला दिया, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू जीरो रहती है, तो मैंने मिड तक लूप चला दिया। अब यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट यूज में लेंगे, इफ एस ऑफ आई। अब एस ऑफ आई में क्या आएगा, सबसे पहले जीरो आएगा, जीरो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो करेक्टर होगा उसको हमें किससे कंपेयर करवाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखें हम, यहाँ पर हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू सबसे पहले क्या हो, एल माइनस वन हो, करेक्ट है, क्योंकि सबसे लास्ट वाला, यदि हम नितिन की बात करें तो एन आई टी आई एन जो लास्ट वाला एन है वो कैसे बाहर आएगा, लेंथ माइनस वन से आएगा, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यूज के ऊपर, ओके, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, सॉरी। सो हमें, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ए नेम से वेरिएबल ले लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, एल माइनस वन कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ए आ जाएगा। अब यदि ये दोनों इक्वल हैं, यदि दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, अब आई की वैल्यू तो ऑटोमेटिक स्टेप की वजह से वन हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट प्लस वन से लेगा स्टेप। बट ए की वैल्यू हमें क्या चाहिए, फोर है ए की वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए, थ्री चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करना है, यदि ये वैल्यू ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए इक्वल टू ए माइनस वन कर देंगे, राइट। अब यदि आपकी ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट के ऊपर आएगा और ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपका जो नंबर है, आपकी जो स्ट्रिंग है, वो पैलिंड्रोम नहीं है। सो यहाँ पर आप प्रिंट करवा सकते हो डायरेक्टली, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ओके। यदि देखिए क्या है, यदि आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो कम सही है कि आपकी एक आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हो सकती, तो आपने एल्स पार्ट के अंदर ये एग्जीक्यूट करवा दिया। देन आगे लूप चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमारे पास में पाइथन के अंदर फोर के अंदर क्या होता है, एल्स पार्ट भी होता है। एल्स पार्ट फोर लूप का कब एग्जीक्यूट होता है, जब फोर लूप ने अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है। और ये यदि फोर लूप आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये वाला जो एल्स पार्ट है वो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है,
और यदि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होगी। सो मैं यहाँ पर एल्स में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट। देखिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, इसके बाद में इसकी वर्किंग देखेंगे। हमने प्रोग्राम को रन किया, एंटर स्ट्रिंग, मैंने किया नितिन, रिजल्ट क्या दिया, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अब एक बार के लिए मैं वापस से इसको रन कर रहा हूँ, अब ये क्या दे रहा है देखते हैं। मैंने किया ए बी सी, ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। सो बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया हुआ है, वेट ए सेकेंड, देखिए इसमें किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। सो सबसे पहली चीज आपसे ये इनपुट में क्या लेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट में लेगा, राइट। सो सपोज दैट आपने जो स्ट्रिंग वैल्यू स्पेसिफाई किया वो है नितिन, तो एस के पास में क्या जाएगा, एस इक्वल टू, मैंने स्पेसिफाई कर दिया एन आई टी आई नितिन। सिस्टम में किस तरह से स्टोर होगा, जीरो वन टू थ्री फोर। अब ये स्टेप हो गया, अब एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए जितनी भी वेरिएबल्स हैं आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इस प्लस इस प्रोग्राम की वर्किंग क्या है वो भी क्लियर हो जाएगी। एल की वैल्यू हो जाएगी फाइव, क्योंकि नंबर ऑफ करेक्टर्स के पास में क्या है, फाइव है। अब मिड की वैल्यू क्या होगी, मिड नेम से हमने एक एडिशनल वेरिएबल लिया है और फाइव इंटीजर डिवीजन टू किया है। जब हम फाइव का इंटीजर डिवीजन करते हैं, जब हम फाइव का इंटीजर डिवीजन करते हैं टू से, तो क्या आता है, टू। सो मिड वैल्यू इज टू। अब ए नेम से एक वेरिएबल और लिया हमने, एल माइनस वन कर दिया, एल की वैल्यू है फाइव, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, राइट। अब देखिए फोर आई इन रेंज मिड, सो सबसे पहली चीज मिड रेंज के अंदर क्या है, रेंज के अंदर आपके पास में है जीरो कॉमा मिड, जीरो कॉमा टू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्टेप बाय डिफॉल्ट वन होगी, तो जीरो वन, ये टू करेक्टर्स, क्योंकि लास्ट वाली पोजिशन तो देगा नहीं। तो अब i के पास में क्या आएगा, पहले तो आएगा जीरो, उसके बाद में आएगा वन। अब s ऑफ i, यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लगा है, इफ s ऑफ i, s ऑफ जीरो यदि इक्वल है किसके, s ऑफ a के, s ऑफ a क्या है भाई, s ऑफ a है फोर। सो s ऑफ i क्या है, s ऑफ i, s ऑफ जीरो है n, n इक्वल टू किसके, s ऑफ n फोर, n कंडीशन इज ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ए माइनस वन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। कहाँ जाएगा प्रोग्राम, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सीधा प्रोग्राम चला जाएगा वापस इसके ऊपर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, वन। अब क्या होगा, एस ऑफ वन एंड एस ऑफ ए, ए की वैल्यू है थ्री, तो वन और थ्री, वन इंडेक्स के ऊपर आई है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर आई है, सो आई इक्वल टू आई, कंडीशन इज ट्रू, वापस से ट्रू हो तो ए माइनस वन हो जाएगा, सो ए की वैल्यू होगी टू। अब यहां पर देखिए फोर आई इन रेंज एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, और जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने एन को एन से कंपेयर करवा लिया, आई को आई से कंपेयर करवा लिया, बीच में क्या बचा है, टी बचा है, तो टी तो एक अकेला करेक्टर है, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो अब क्या होगा, ये फोर लूप ने अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया, और जब भी नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है तो क्या होता है, फोर लूप एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में कहाँ जाता है, एल्स के ऊपर जाएगा, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, सो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपके पास में जो एस की वैल्यू है वो मैं चेंज कर देता हूँ। अब हमारे पास में सपोज एस की एस जो वेरिएबल है उसके पास में मैंने लिया है ए बी सी डी, राइट। तो क्या होगा, इस लूप के अकॉर्डिंग यदि बात करूँ, जीरो वन टू थ्री फोर, इसकी इंडेक्स फोर इसकी लेंथ हो जाएगी, मिड की वैल्यू टू रहेगी, और ए की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, एल माइनस वन, एल माइनस वन का मतलब क्या हो गया, थ्री रहेगी। अब जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर पहले इससे कंपेयर होगा, क्या होगा, ए इक्वल टू डी, कंडीशन इज फॉल्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स द प्रोग्राम कंट्रोल विल बी ऑन द एल्स पार्ट, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के ऊपर जाएगा, एल्स में क्या लिखा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, फाइनलाइज हो गया, यहीं पर आगे लूप चलाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है,
जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, और जब जैसे ब्रेक एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम का कंट्रोल आउट ऑफ लूप आ जाएगा। आउट ऑफ लूप आने का मतलब है कि इसने क्या डिस्प्ले कर दिया, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, और आप लूप के बाहर आ गए। इससे क्या हुआ, आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई, पहली बार में ही डिसाइड हो गया कि हमारा जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है ही नहीं, तो आगे हमें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस प्रोग्राम। आई थिंक होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव डिफरेंट वे ऑल्सो टू क्रिएट दिस प्रोग्राम। अब हम सेकेंड वाले वे की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जो आपने स्ट्रिंग एंटर की हुई है उसको हम पहले रिवर्स करेंगे, उसके बाद में कंपेयर करवाएंगे। सो इसका हाफ पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है, एक स्ट्रिंग को इनपुट में लिया, अब आप लोगों को पता है कि हमें स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करना है। हमने प्रिंट करवाई थी रिवर्स स्ट्रिंग, राइट। सो लेकिन जब हम रिवर्स करवा रहे हैं स्ट्रिंग को इस बार, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो रिवर्स स्ट्रिंग को अपने पास में स्टोर रखेगा। फोर आई इन रेंज में हमने क्या किया था, लूप को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, एल माइनस वन से हमें माइनस वन इंडेक्स वैल्यू स्टेप माइनस वन करते हुए जाना है, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, आर एस के पास में फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है के साथ में क्या करना है, प्लस करवा देना है एस ऑफ आई को। अब एस ऑफ आई के पास में एक एक करेक्टर एड होता रहेगा, और यहाँ पर आउट ऑफ लूप आप एक लूप अप्लाई करोगे, इफ़ एस इज इक्वल टू आर एस, यदि एस की वैल्यू आर एस के इक्वल है तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग है वो होगी पैलिंड्रोम, अदरवाइज एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इन द एल्स पार्ट वी विल एग्जीक्यूट स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। सो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड, देन अगेन सेम इनपुट नितिन, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, देन अगेन रन दिस कोड एंड सी आई एम यूजिंग ए बी सी डी, देन इट विल डिस्प्ले स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। वैसे ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, अब इसकी ओर बात कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर हमने सिंपली यहाँ पर एक लूप को चलाया है जो इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है। सो हमने फोर आई इन रेंज एल माइनस वन किया हुआ है, राइट। तो लेंथ माइनस वन से लूप चलेगा, आपने स्पेसिफाई किया है सपोज दैट नितिन के केस में 0, 1, 2, 3, 4, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एल माइनस वन का रेंज के अंदर क्या आएगा, 4 से आपको माइनस वन तक जाना है स्टेप माइनस वन करते हुए, तो क्या आएगा 4, 3, 2, 1 और 0, ये रहेगा। अब आर एस के पास में क्या है, फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, बट आपको याद होगा आर एस के यदि हम स्ट्रिंग के साथ में प्लस ऑपरेटर यूज में लेते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्केट करता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एस ओ फोर के ऊपर क्या है, एन, तो आर एस प्लस एन हो जाएगा। आर एस के पास में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, हमने कर दिया आर एस के पास में एन आ गया। अब माइनस वन होगी स्टेप, तो एस के पास में क्या आएगा, थ्री आएगा, तो आर एस प्लस सी एच होगा, आर एस प्लस एस ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस प्लस एन की बजाय इस बार क्या आ जाएगा, आर एस प्लस आई, आर एस के पास में इस बार क्या है, एन प्लस आई, तो ये क्या बन जाएगा, एन आई। देन एस ऑफ टू होगा, एस ऑफ टू में क्या देगा, ये टी, अब क्या होगा, एन आई के साथ में प्लस करवा दीजिए टी को, तो ये बन गया एन आई टी। इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा, आर एस के पास में भी नितिन आ गया और एस के पास में भी नितिन है, दोनों को हमने इक्वल टू के साथ में कंपेयर किया, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट द प्रोग्राम। दोनों ही प्रोग्राम कॉमन थे, सेम थे, लेकिन दोनों को हमने डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हमने जो दोनों प्रोग्राम्स करके देखे हैं उनसे आइडिया लग गया होगा कि एक ही प्रोग्राम को हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं। इसमें इतना सोचने की बात नहीं है कि हमने प्रोग्राम एक और भी काफ़ी सारे वे हैं, हम एक स्ट्रिंग को एक लाइन के अंदर भी चेक कर रिवर्स में कर सकते हैं,
तो वो आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ दिस टॉपिक इज कन्वर्ट केस ऑफ करेक्टर्स इन द इनपुट स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लोअर एंड अपर. फॉर एग्जाम्पल, इनपुट स्ट्रिंग इज इन फोर इन विच आई और एन इन कैपिटल, एफ ओ आर इन स्मॉल, देन द आउटपुट विल बी इन एफ ओ आर. सो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है. जो अपर केस में है वो उनको लोअर में करना है, जो लोअर है उनको अपर में करना है. हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन था स्वैप केस, जो यही काम कर रहा है. हमें क्या करना है, हमें प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है, तो हम क्या करते हैं, वो जो प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज़ में नहीं लेंगे. यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम हमारी तरफ से लॉजिक डेवलप करेंगे और उसको हम क्रिएट करेंगे. किस तरह, यानी कि स्वैप केस की हम वर्किंग लिखने वाले हैं. अब स्वैप केस किस तरह से काम करता है, राइट? तो इसमें देखिए, प्रोग्राम को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट मैं जो वे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्या है. यहाँ पर देखिए, जैसे यदि किसी भी करेक्टर को, जैसे स्मॉल ए है, इसकी जो स्काई वैल्यू होती है वो 97, ओरिजिनल वैल्यू की बात करूँ वो 97 होती है, और कैपिटल ए की होती है वो 65. अब यदि इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू के अंदर डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना है इसमें, इन दोनों की ओरिजिनल वैल्यू के अंदर 32 का डिफरेंस है. यानी कि यदि आपके पास में कैपिटल ए है उसको आपको स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, प्लस 32 कर दोगे, और स्मॉल ए है उसको आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस 32. रीज़न, क्योंकि स्मॉल ए की ओरिजिनल वैल्यू 97 है, तो इसके अंदर यदि माइनस 32 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 65, एंड दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए. क्लियर ना? और यही चीज़ है यदि आपके पास में कैपिटल ए है तो उसकी एसकाई वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है 65, मैंने इसके अंदर प्लस 32 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 97, एंड दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. तो हमें क्या करना है, हमने जो भी नंबर्स, जो भी करेक्टर्स एंटर किए हुए हैं उसमें से, जैसे आपके पास में इन फोर लिया था, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, हमें क्या करना है, इसमें एक एक करेक्टर को बाहर निकालना है. आई को बाहर निकाला, अब इसकी हम ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में ओ आर डी नाम से एक फंक्शन है, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ओ आर डी फंक्शन क्या करता है, ओ आर डी फंक्शन विल टेक्स ए करेक्टर वैल्यू एज इनपुट एंड कन्वर्ट द करोस्पॉन्डिंग ऑर्डिनल वैल्यू. जैसे आपने यहाँ पर ए किया हुआ है तो ये क्या करेगा, इस ए के लिए 97 को रिटर्न कर देगा, राइट? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये स्मॉल ए इसको कैपिटल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस 32 कर देंगे, क्या आया, 65. अब इस 65 को हमें करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो सी एच आर नेम से एक फंक्शन है जो ये 65 को इनपुट में लेगा और कैपिटल ए में रिटर्न कर देगा. तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम दो फंक्शन यूज में लेंगे, एक तो होगा ओ आर डी और दूसरा होगा सी एच आर. अब बात आती है कब तो हमें प्लस 32 करना है, कब हमें माइनस 32 करना है. यदि आपके पास में 97 से लेके 122 तक के एसकाई वैल्यूज के करेक्टर हैं, ये किसके लिए एसकाई वैल्यू है, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड के, तब तो आप क्या करोगे, इसमें करोगे माइनस 32 टू कन्वर्ट द करेक्टर्स इन टू द कैपिटल अल्फाबेट. और यदि आपके पास में रेंज आ रही है 65 टू 90, तो ये किसके लिए एसकाई वैल्यू है, ए टू जेड के लिए है. तो इस केस में आप क्या करोगे, प्लस 32 करोगे टू कन्वर्ट द करेक्टर्स इन टू द स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल टू स्मॉल अल्फाबेट्स. दिस इज द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट द केसेज ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, सो सी, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस प्रोग्राम ऑन द जुपाइटर डायरेक्टली. ट्राई कीजिए, देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर दैट फर्स्टली यू हैव टू टेक ए स्ट्रिंग वैल्यू एज इनपुट. सो एंटर ए स्ट्रिंग, देन वी विल रिक्वायर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो एल नो, क्योंकि एक लूप चलाना होगा, लूप के बगैर तो स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम बनेगा ही नहीं. देन आपको स्ट्रिंग के केसेस को चेंज करके, सपोज दैट एक और वेरिएबल ले रहा हूँ मैं जिसके पास में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी नया करेक्टर आएगा उसको हम इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवा देंगे, राइट? सो फोर
आई इन, इस बार ऐसा करते हैं लेंथ को यूज़ में ही नहीं लेते हैं, फोर आई इन एस कर दिया मैंने एक एक। अब सिक्वेंस एस क्या है, सिक्वेंस है बेसिकली, आई के पास में क्या आएगा, पहला करेक्टर आ जाएगा राइट ना, सबसे पहला वाला करेक्टर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ए नेम से वेरिएबल लिया और ओ आर डी ऑफ आई कर दिया। ओ आर डी ऑफ आई करने का मतलब क्या हुआ, ए के पास में अब क्या आ गया, आई ने जो करेक्टर अपने पास में ऑक्यूपाई किया हुआ था इसकी ओरिजिनल वैल्यू ए के पास में आ गई। अब इफ स्टेटमेंट यूज में लिया, इफ ए इन रेंज, यदि ए की वैल्यू है किस रेंज में है, सपोज स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए ले लेता हूँ, 97 से लेके 123 तक है, तो ये क्या हो गया 122 तक देगा, तो ये क्या हो गया स्मॉल अल्फाबेट्स हो गए। स्मॉल अल्फाबेट्स में हमें क्या करना है, इसको यदि कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस 32 कर देंगे, करेक्ट है, सॉरी। अदरवाइज हमें क्या करना है, अदरवाइज हमें करना है एल्स पार्ट यूज में लेना है, बट एल इफ यूज में लेंगे यहां पर ए इन रेंज। ए इन रेंज में क्या जाएगा, 65 से लेके यदि 91 की रेंज में है तो हमें क्या करना है, a इक्वल टू a प्लस 32 कर देना है। यहाँ पर कंडीशन ज़रूर स्पेसिफाई करनी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यदि आपके पास में नंबर्स आ जाते हैं तो उनका केस कन्वर्ट नहीं होगा, यदि सिंबल आ जाते हैं तो कन्वर्ट नहीं करना हमें, उस केस में हमें ना तो प्लस 32 करना है ना ही माइनस 32 करना है, इसलिए हमें एलिफ के अंदर भी कंडीशन अप्लाई करनी है, आप सिंपल एल्स लगा के नहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज स्पेस आ गया आपके पास में, कोई सिंबल आ गया या फिर डिजिट्स आएंगे वो किसी दूसरे नंबर से कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब हमें क्या करना है, जो आपके पास में ए वेरिएबल आया है उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, और करेक्टर में कन्वर्ट करवा के हम इसको एस टी आर नेम से जो वेरिएबल लिया है उसको असाइन करवा देते हैं। तो सी एच आर नेम से हमने फंक्शन हमारे पास में जो एस जो ओरिजिनल वैल्यूज़ को इनपुट में लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा राइट। देन फाइनली आप इसको प्रिंट करवा दीजिए अपने रिजल्ट को, प्रिंट में क्या आएगा, सिंपल एस टी आर प्रिंट करवा दिया, यानी कि आपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पर कोई भी प्रिंटिंग मैसेज डाल सकते हो, द स्ट्रिंग आफ्टर द चेंज केस, आप जो भी मैसेज डालना चाह रहे हो वो डाल सकते हो। प्रोग्राम को रन किया तो देखिए यहाँ पर ये डिज़ायर आउटपुट नहीं दे रहा है, रीज़न एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। वो मिस्टेक क्या है, हमने जब दोनों जगह ही माइनस कर रखा है, एक जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा राइट। सो अब एक बार के लिए मैंने इसके अंदर चेंजेस किए, प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, जब आपके पास में कैपिटल है लेटर्स हैं तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस 32 करना होगा। अब सेम प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं और इनपुट वैल्यूज में भी सेम रख रहा हूँ, अब देखिए इसका आउटपुट। सो इस तरह से हमें चेक करना होगा कि हमारे पास में जो वैल्यू हमने एंटर, जो हमने प्रोग्रामिंग किया है उसके अंदर ऑपरेटर्स वगैरह हमने सही ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं। यहाँ पर देखिए इस आउट जो मैंने एक्सप्लेन की थी वर्किंग, सेम उसी तरह का आउटपुट आ रहा है। हमने क्या किया है, सिंपल सा लॉजिक अप्लाई किया है करेक्टर्स के लिए, इस प्रोग्राम के लॉजिक की यदि हम बात करें, करेक्टर्स को एक एक करेक्टर को हमने बाहर निकाला, एक एक करेक्टर को बाहर निकालने के लिए इस बार मैंने इंडेक्स वैल्यूज़ की बजाय क्या यूज़ में लिया, सिंपली लिखा है मैंने फोर आई इन स्ट्रिंग एस। अब एस के पास में क्या है, सपोज इन्फॉर्मेशन है, इन्फो है, इन्फो, तो सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद में एन बाहर निकलेगा, उसके बाद में एफ, उसके बाद में ओ, उसके बाद में आर, तो ये चीज़ तो आप लोगों को पहले से पता है। हमने क्या किया, इसके पास में जो भी करेक्टर था उसको एस काई वैल्यू के अंदर उसकी ओरिजिनल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवा लिया। इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज में लिया, ओ आर डी फंक्शन यूज में लिया है राइट। देन इसके अंदर या तो प्लस 32 किया हमने या फिर माइनस 32 किया, ये प्लस और दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट अप्लाई किया है फोर आई, इफ आई इन रेंज ऑफ 97 टू 123 और 65 टू 91। ये अप्लाई करने के पीछे एक रीज़न और भी है कि दोनों जगह कंडीशन क्यों अप्लाई किए, एल से भी काम चला सकते थे। ये ऐसा क्यों किया, यदि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कहीं कोई स्पेस आ रहा है, इन फोर एस वाई एस देन प्लस सिंबल ले लिया मैंने, ओके सो स्पेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें प्लस सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कहीं ओनली अल्फाबेट्स यहाँ पर आएंगे, केवल वहीं पर चेंजेस होंगे, इसके अलावा कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, आप अपने रिजल्ट के अंदर देख सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गई होगी इसकी वर्किंग।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा काउंट नंबर ऑफ वोवल्स इन द इनपुट स्ट्रिंग। बहुत ही ज़्यादा इजी वाला क्वेश्चन है ये, तो हमने इफ के अंदर भी किया था आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है। बट चलो एक बार के लिए इसको करके देखते हैं। करना क्या है, एक एक करेक्टर को बाहर निकालना है एंड उसको हमें कंपेयर करवा लेना है ए ई आई ओ यू से। यदि वोवल है तब तो कंडीशन ट्रू होगी। उस केस में हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट वेरिएबल ले लेना है और वो उसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे, उसको इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, सो इनपुट एंटर स्ट्रिंग, हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट में लिया। देन एक एक करेक्टर बाहर निकालने के लिए हमें लेंथ की जरूरत नहीं होगी, मैंने काउंट नेम से वेरिएबल ले लिया। काउंट की इनिशियल वैल्यू कर दी 0 फॉर आई इन एस, डायरेक्टली एक एक करेक्टर को बाहर निकाल रहा हूं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इफ आई इन ए ई आई ओ यू देन ए, सारे जितने भी वोवल्स हैं उन सभी को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे हम ए ई आई ओ एंड यू। इफ यू वॉन्ट टू सर्च फॉर द कैपिटल ऑल्सो देन यू कैन स्पेसिफाई कैपिटल अल्फाबेट्स ऑल्सो, कैपिटल वोवल्स को स्पेसिफाई करेंगे ए ई आई ओ एंड यू, राइट। देन पुट कॉलन साइन एंड आफ्टर दैट यदि इनमें से कोई भी एक आता है तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीज करवा देना है 1 से। देन प्रिंट करवा दिए रिजल्ट को, प्रिंट में आ जाएगा नंबर ऑफ वोवल्स इन द स्ट्रिंग इक्वल टू में कॉमा में यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ रन द कोड। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कुछ कैपिटल एंड कुछ स्मॉल अल्फाबेट्स यूज में लिए। देन इन्फॉर्मेशन, इसमें देखिए मैंने कैपिटल आई को नहीं लिया है तो इसने 4 रिटर्न किया है, ए ई आई आई मिसिंग है, यदि इसीलिए इसने 4 रिटर्न किया। कैपिटल आई और स्पेसिफाई करते हैं उसके बाद में इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो नंबर ऑफ वोवल्स आर 5 इसके अंदर वोवल्स हैं, राइट। सो आई थिंक एक एक करेक्ट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी, एक एक करेक्टर को बाहर निकालो, उसको ए आई यू से कंपेयर करवा लो। तो काफ़ी इजी प्रोग्राम है, इतना कुछ है नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम की, इस कोड का। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए करेक्टर इन द स्ट्रिंग। अभी हमने ए आई यू को 5 और 10 करेक्टर्स को हमने सर्च किया है और इसके अंदर क्या है, एक करेक्टर की हमें फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने एक करेक्टर एंटर किया एंड स्ट्रिंग तो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, करेक्टर हो गया ओ, देन द आउटपुट विल बी 4। सो ज़्यादा इसमें आई थिंक कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बट इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, अभी हमने 10 करेक्टर्स में से एक करेक्टर हमने काउंटिंग की थी, इस बार तो केवल एक ही करेक्टर है। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, यदि यूज़र ने एक सिंगल करेक्टर ओ एंटर नहीं किया, मीन्स कोई भी एक करेक्टर एंटर नहीं किया है, यानी कि मोर देन 1 करेक्टर से यदि एंटर कर दिए हैं, उस केस में यूज़र से हमें वापस इनपुट में लेना होगा क्योंकि हमें केवल एक सिंगल करेक्टर को काउंट करना है। तो ये चीज़ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो मैं इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इसी प्रोग्राम को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एक सिंगल करेक्टर चाहिए। सो आई इक्वल टू हम सीधा कर देते हैं सी एच। अब सी एच कहाँ से आएगा, सी एच की वैल्यू हमें यूजर से इनपुट लेनी होगी, राइट ना। सो सबसे पहली चीज़ तो हमने क्या किया, सी एच इक्वल टू में इनपुट ले लिया, एक स्ट्रिंग एंटर करवा ली, एंटर ए करेक्टर भी एंटर करवा लिया। लेकिन यदि यूजर ने बाई चांस मान लो 2 करेक्टर एंटर कर दिए, उस केस में आपका प्रोग्राम क्या करेगा, उस केस में हमें क्या करवाना है, हमें यूजर से इनपुट वापस से लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेन ऑफ सी एच फाइंड आउट करते हैं। यदि लेन ऑफ सी एच आपकी क्या है, यदि 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि 1 नहीं है तो हमें क्या करना है,
तब हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, एक वाइल लूप ले लिया यहाँ पर, वाइल, वाइल के अंदर इफ एल इज नॉट इक्वल टू वन, यदि आपकी ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब सी एच की वैल्यू मोर देन वन करेक्ट होगी। तो हमें क्या करना है, वापस से इनपुट स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर देना है। ये इनपुट कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम इनपुट कमांड हमें वापस से लेना है, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपने मोर देन वन करेक्टर स्पेसिफाई किया है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, वापस से लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ ऑफ सी एच। ये हमने क्यों किया, आई थिंक समझ में आ गई होगी, हमारा प्रोग्राम क्या है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक पर्टिकुलर करेक्टर की हमें फ्रिक्वेंसी को काउंट करना है। अब यदि आपने एक सिंगल करेक्टर की जगह पर मल्टीपल करेक्टर एंटर कर दिए, तो यूज़र क्या कर, सिस्टम क्या करेगा, आपसे वापस से इनपुट में करेक्टर मांगेगा कि आपने मल्टीपल करेक्टर्स एंटर कर दिए, तो वापस से स्ट्रिंग को एंटर कीजिए, राइट। अब यदि आपने एक सिंगल करेक्टर एंटर किया है, उस केस में क्या होगा, ये कोड बाईपास हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें उस टाइम पर वाइल कंडीशन क्या है, एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, राइट। अब हमारे पास में काउंट नेम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, और बाकी जो कोड है एज इट इज सेम रहेगा, नंबर ऑफ वोवल्स की बजाय इस बार क्या करोगे, अक्रेंस और फ्रिक्वेंसी कुछ भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। आप यहाँ पर काउंट से पहले कोई भी एक मैसेज डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो, अक्रेंस ऑफ द करेक्टर या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ द करेक्टर, इनपुट करेक्टर इज दिस, ओके। मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ डायरेक्टली, देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन सेकेंड करेक्टर मैंने ओ डाल दिया। सो ये ओ इसमें कितनी बार आ रहा है, फोर टाइम्स आ रहा है, तो इसने क्या किया, फोर रिटर्न कर दिया। अब देखिए, यदि आपने मोर देन वन करेक्टर एंटर कर दिया, एक स्ट्रिंग स्पेसिफाई की, अब आपने करेक्टर में मैंने क्या किया, कैब स्पेसिफाई कर दिया, क्या करेगा, वापस से आपसे करेक्टर मांगेगा। अब आपने क्या किया, ए एंटर कर दिया, तो इसने काउंट कर दिया, इसमें ए टू टाइम्स आ रहा है, ओके। सो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हमने ये वाला जो वाइल लूप है ये क्यों अप्लाई किया है, ये चीज़ क्यों अप्लाई की है। ये चीज़ हमने केवल एक ही पर्पज़ से अप्लाई की है, यदि आपने, हमारा प्रोग्राम क्या है, देखिए हमारा प्रोग्राम है फ्रिक्वेंसी ऑफ ए करेक्टर। हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट में एक तो स्ट्रिंग लेनी है, एक तो ये स्ट्रिंग इनपुट में लेनी है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, और एक सिंगल करेक्टर लेना है। यदि यूजर ने सिंगल करेक्टर एंटर नहीं किया, उस केस में हमें क्या करना है, वापस से यूजर से इनपुट लेना है कि आपने जो स्ट्रिंग, आपने एक सिंगल करेक्टर एंटर करना था, आपने मल्टीपल करेक्टर स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो री एंटर कीजिए करेक्टर को, इसके लिए आपसे इनपुट में वापस से वैल्यू मांगेगा। ऑलराइट, इसीलिए हमने ये वाइल लूप यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, आपने पता लग गया होगा, राइट, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर अभी हमने एक सिंगल करेक्टर की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की थी, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, सब स्ट्रिंग, यानी कि कितने भी करेक्टर, अभी तो सिंपल ओ का था, सपोज अब ओ आर को हमें काउंट करना है। जैसे इस स्ट्रिंग के अंदर हम बात करें कॉरपोरेट फ्लोर और इन्फॉर्मेशन, ये एक स्ट्रिंग हो गई, इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे को सब स्ट्रिंग और को सर्च करना है, तो आउटपुट क्या है इसका, फाइव आर का, फाइव टाइम और आ रहा है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव टाइम्स और आ रहा है। इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, देखिए अभी तक हमने क्या किया था, एक एक करेक्टर को बाहर निकाला, तो एक करेक्टर तो आराम से बाहर निकल रहा था। अब हमें क्या करना है, ये जो सब स्ट्रिंग है इसकी जितनी लेंथ है, इतने करेक्टर को इसमें से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, सी ओ बाहर निकल के और से कंपेयर होगा, अच्छे से इस लॉजिक को अच्छे से समझना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सी ओ को बाहर निकाला, ओनली टू करेक्टर्स बाहर क्यों निकाले, क्योंकि हमारी सब स्ट्रिंग के अंदर टू करेक्टर्स थे। सपोज दैट आपको सर्च करना है ओ आर एम को सर्च करना है, तो आप एक साथ कितने करेक्टर को बाहर निकालोगे, सी ओ आर को बाहर निकालोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी सब स्ट्रिंग के अंदर थ्री करेक्टर्स हैं। तो और उसके बाद में नेक्स्ट कौन से करेक्टर बाहर निकलेंगे, ओ आर पी बाहर निकलेगा, ओ आर पी बाहर निकलेगा, एक एक करेक्टर को छोड़ते हुए जाना है, राइट। अब यदि वो स्ट्रिंग मिल रही है, ये वाली सब स्ट्रिंग यदि इस मेन स्ट्रिंग के अंदर आपको मिल रही है, तब तो हमें क्या करना है, काउंट नेम से एक वेरिएबल ले लेना है, उसको इंक्रीज करवा देना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना है। आई थिंक आपको याद होगा हमने काउंट फंक्शन किया था
काउंट फंक्शन की वर्किंग यही थी, हम उसको अब प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। सो लॉजिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब बात करते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, सब स्ट्रिंग की भी लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, लूप को चलाना है उसी सब स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले इनपुट में मैंने ले लिया, इनपुट में आ जाएगा एंटर ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को इनपुट में लिया, देन एक सब स्ट्रिंग को इनपुट में लेंगे, अब हमें इस सब स्ट्रिंग को इसके अंदर सर्च करना है। तो अब हमें दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। सो हमने जो स्ट्रिंग लिया है उसके लिए तो मैं ले रहा हूँ एस टी आर लेन नेम से वेरिएबल ले रहा हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा इसके लिए वेरिएबल हमने किसके लिए कौन सा वेरिएबल यूज में लिया था। और एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ सब लेंथ के लिए, ये सब स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हो जाएगा, राइट। वेरिएबल हमेशा ट्राई करेंगे ऐसे लें जो हमें याद रहें कि हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ में लिया था, तो सब लाइन यूज़ में ले लिया, राइट। हमें काउंटिंग करनी है तो काउंट नेम से वेरिएबल ले लिया, काउंट की इनिशियल वैल्यू हो गई 0, ओके। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब स्ट्रिंग को बाहर निकालना है, राइट। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की भी रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है, तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की हम बाद में बात कर लेंगे। फोर मैंने एक लूप चलाया, फोर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक लूप चलना है हमारा, 0 से लेके लेंथ तक स्ट्रिंग की जो लेंथ है, सो एस टी आर लेन स्पेसिफाई कर दिया इसके अंदर मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इफ़ के अंदर मैंने क्या किया, एस ऑफ आई, अब ये एस ऑफ आई यदि इक्वल टू है किसके, सब लेन के, यदि ये सब लाइन के इक्वल है, सॉरी सब स्ट्रिंग के इक्वल है, सब लाइन नहीं है, सब स्ट्रिंग के इक्वल है, तब तो हमें क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, काउंट को इंक्रीज करवा दिया, अदरवाइज हमें कुछ करना नहीं है, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए, जब एक एक करेक्टर बाहर निकल के आएगा, अब यहाँ पर देखिए एस ओ फाइव किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगल करेक्टर को, और आप एक सिंगल करेक्टर को किससे एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो, सब स्ट्रिंग से। तो इस एस ऑफ आई की बजाय हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें सब स्ट्रिंग को बाहर निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अब ये सब स्ट्रिंग निकलेगी कैसे, यहाँ पर हमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेना होगा। अब आयत पोजिशन से हमें कहाँ तक करेक्टर बाहर निकालने हैं, ये तो हर बार चेंज होगा, तो हमें यहाँ पर इसकी पोजिशन लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और उस वेरिएबल का नेम मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया, सपोज पोजीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, पोजीशन ले लिया। अब इस पोजीशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पोजीशन की वैल्यू होनी चाहिए हमारी जो हमारे पास में सब स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। तो सॉरी वेरिएबल है, देन ये क्या हुआ, पोजीशन की वैल्यू क्या आ गई, सपोज दैट आपने 2 करेक्टर्स स्पेसिफाई किए, तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, 0 से, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, 0 से आपको कितने करेक्टर बाहर निकालने हैं, 0, 1, ओनली 2 करेक्टर्स बाहर निकलेंगे, इफ द सब स्ट्रिंग लेंथ इज 2 ओनली, राइट। अब सपोज दैट ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, तो पोजिशन की वैल्यू एक्सटेंड हो जानी चाहिए ना, 1 से इंक्रीज भी होनी चाहिए, करेक्ट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन की जो वैल्यू है उसको भी हमें इंक्रीज करवाना होगा। इसको मैं आई थिंक ये पोजीशन इक्वल टू प्लस 1 क्यों करवाया है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, केवल इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा कि पोजीशन इंक्रीज करवानी जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में ले रहे हैं, आई की वैल्यू यहाँ पर स्टेप की वजह से प्लस 1 हो रही है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें पोजीशन की वैल्यू को भी इंक्रीज करवाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो करेक्टर वो तभी बाहर, नेक्स्ट वाली जो सब स्ट्रिंग है तभी बाहर निकलेगी जब हमने पोजीशन की वैल्यू को इंक्रीज करवाए हैं। देन मैंने यहाँ पर काउंट को प्रिंट करवा दिया, दैट्स ऑल, प्रोग्राम कंप्लीटेड। प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन कॉरपोरेट फ्लोर,
ये स्पेसिफाई कर दिया, ओके। देन सब स्ट्रिंग में मैंने और स्पेसिफाई किया है, इसमें ये सब स्ट्रिंग 4 टाइम्स आ रही है, राइट। एक बार के लिए इसकी वर्किंग देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने ये प्रोग्राम किया कैसे है। सो देखिए, हमने एक स्ट्रिंग इनपुट में ली है, तो एक वेरिएबल हमने ले लिया एस इक्वल टू, जैसे कॉर्पोरेट फ्लोर ही ले लेते हैं, कॉर्पोरेट फ्लोर हमने एक स्ट्रिंग इनपुट में ले ली, और सब स्ट्रिंग की वैल्यू हमने ले ली और, राइट। अब देखिए, कॉर्पोरेट फ्लोर आपको किस तरह से स्टोर करना है, पूरा पूरा आइडिया है। 0 इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको लेना है, सो आप इंडेक्स वैल्यूज़ की फॉर्मेट में इसको स्टोर करवा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CORजीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 9 पर स्पेस हो गया, 10 FLOOR, 11 12 13 14। सो अब STR लेन क्या हो जाएगा, STR लेन आपका हो जाएगा कितना, 15, और सब STR सब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास में क्या है, ओवर है। काउंट नेम से जो वेरिएबल हमने लिया उसकी इनिशियल वैल्यू है 0 हमारे पास में, और पोजीशन की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, 2 है। अब इस पोजीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अब हमने एक लूप स्टार्ट किया है फॉर आई इन रेंज, सो ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, आई वाला जो रेंज फंक्शन है वो क्या करेगा, आपको नंबर्स प्रोवाइड करेगा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 14। अब यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट अप्लाई किया हुआ है, जिसमें आपने लिखा है एस ऑफ आई, यानी कि एस ऑफ 0:2 यदि इक्वल है किसके, सबके, सब क्या है, और तो 0:2 क्या देगा, सब स्लाइसिंग होगी, यहाँ पर स्लाइसिंग होगी, तो 0:2 क्या देगा आपको, 0 इंडेक्स वैल्यू से आपको 2 इंडेक्स वैल्यू से पहले पहले जितने करेक्टर है, तो क्या आएगा, CO इक्वल टू और, कंडीशन बिकम फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, पोजीशन की वैल्यू +1 हो जाएगी, पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। प्रोग्राम कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले के ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग में क्या आएगा, आई स्लाइसिंग में इस बार आएगा 1:3। अब देखिए, यहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हमने पोजीशन की वैल्यू को 1 किया था। यदि ये पोजीशन की वैल्यू इंक्रीज नहीं करवाते तो यहाँ पर 2 ही रहता, तो एक सिंगल करेक्टर आता, इस वजह से हमने यहाँ पर पोजीशन इक्वल टू +1 स्पेसिफाई किया हुआ है। अब 1:3 में क्या आएगा भाई, 1:3 में आएगा और बाहर निकल के, और इक्वल टू और, कंडीशन इज ट्रू, उस केस में क्या होगा, काउंट +1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। काउंट +1 एग्जीक्यूट हुआ, काउंट की वैल्यू क्या आ गई, 1, पहली बार और मिल गया इसको। पोजीशन इक्वल टू +1 होगी तो पोजीशन की वैल्यू होगी 4। प्रोग्राम वापस से नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सो अब क्या होगा, 2:4, नेक्स्ट टाइम 3:5, इस तरह से लूप चलता रहेगा आपका, और जब भी इसको सब स्ट्रिंग मिलेगी तो ये काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करवाता रहेगा। ये इसकी वर्किंग है। सब स्ट्रिंग के अंदर हमने पोजीशन नेम से एक्स्ट्रा वेरिएबल इसलिए लिया था क्योंकि हमें सब स्ट्रिंग स्लाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज में लेना था, केवल यही रीजन था। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से इस प्रोग्राम को किया है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है हमारा डिस्प्ले स्ट्रिंग इन प्रॉपर केस। प्रॉपर केस का मतलब ये होगा कि आपका जो भी, आपने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया उसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो कैपिटलाइज करना है आपको। जैसे ये आपने एक स्ट्रिंग एंटर की हुई है, दिस इज टेक्स्ट हैंडलिंग इन पाइथन, ओके। सो इसमें कुछ कैपिटल में है, कुछ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। हमें आउटपुट क्या चाहिए, टी कैपिटल इज का आई कैपिटल, टेक्स्ट का टी कैपिटल हैंडलिंग। ये वाला प्रोग्राम भी क्या है, आपको याद होगा हमने कौन सा इस टाइप का एक फंक्शन हमने देखा था जो स्ट्रिंग को का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल करता है, राइट ना, टाइटल नेम से फंक्शन था हमारे पास में। सो ये उसकी वर्किंग है, कैसे करेंगे अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरी स्ट्रिंग में जिगजैग है,
कुछ अल्फाबेट्स कैपिटल हो सकते हैं, कुछ स्मॉल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। इस पूरी स्ट्रिंग को हमने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे विद हेल्प ऑफ लोअर फंक्शन। उसके बाद में क्या करना है, स्पेस के लिए सर्च करेंगे। जैसे ही इसको स्पेस मिलता है, उसके नेक्स्ट वाले करेक्टर को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। अब कैपिटलाइज करने के लिए आप चाहो तो अपर और लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन यूज में ले सकते हैं हम, ठीक है, या फिर आप चाहो तो वही ऑर्डिनल वैल्यू के अंदर प्लस माइनस 32 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हमारे पास में जैसे ही स्पेस आता है, यानी कि इफ एस ओ फाई की वैल्यू, यदि स्पेस है, एक सिंगल स्पेस मिलता है, तो हमें क्या करना है, एस ऑफ आई प्लस वन के ऊपर जो करेक्टर है उसको किस में करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। केवल इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, करते हैं तो इस प्रोग्राम को कैसे होगा। एक स्ट्रिंग को इनपुट मिलेंगे, एंटर ए स्ट्रिंग, इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ एस आ जाएगा। देन इस पूरी स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एस टी आर इक्वल टू क्या जाएगा, एस डॉट लोअर, एस डॉट लोअर यदि आपने किया तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब क्या करना है, देखिए स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट है वो तो हमें लोअर केस में करना ही करना है, श्योर है। तो हम क्या करते हैं, एस टी आर के पास में अब क्या आना चाहिए, जो आपकी स्ट्रिंग है, जो आपकी स्ट्रिंग का सबसे पहला अल्फाबेट है वो क्या है, एस ऑफ जीरो डॉट कैपिटल कर देते हैं इसको, अपर। बाकी में क्या आना चाहिए, अब और क्या आना चाहिए, तो प्लस में हमने कॉन्केट करवा दिया, एस टी आर ऑफ वन देन कॉलन साइन, स्ट्रिंग स्लाइसेस का कॉन्सेप्ट यूज में ले लिया, यानी कि स्टार्टिंग से फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करके आगे जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे इसके पास आ जाएं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक सी एस नेम से वेरिएबल लिया, क्योंकि हम एक एक करेक्ट और एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं इस वजह से, ओके, और उसको हमें चेक करना है वो कैपिटल है या फिर स्मॉल है, उसके अकॉर्डिंग हम सी एस को वैल्यू असाइन करवाएंगे। फॉर आई इन रेंज, अब देखो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स वाले वाले करेक्टर को हम कैपिटलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। लूप कहाँ तक जाएगा, एल तक जाएगा, ठीक है, तो जीरो इंडेक्स वाले वाले के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो हमने उसको छोड़ दिया, ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इफ एस ऑफ आई, अब यदि एस ऑफ आई आपको मिल रहा है इक्वल टू स्पेस, यदि ये स्पेस है तो अब हमें क्या करना है, यदि स्पेस है तो नेक्स्ट वाले करेक्टर को हमें अपर केस में करना है, सी एच इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, एस ऑफ आई प्लस वन के ऊपर जो करेक्टर है उसको हम क्या करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अपर केस में कन्वर्ट किया और इस करेक्टर को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के पास में ये जो एस टी आर नेम से हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया हुआ है इसको साइन करवाएंगे, लेकिन एस टी आर के पास में डेटा आएगा कौन सा, जीरो इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करके आई प्लस वन, हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया तो आईथ पोजीशन तक के जितने भी करेक्टर्स थे वो आ जाएंगे। इसके बाद में हमने प्लस में करवा दिया सी एच, ये जो हमने करेक्टर कैपिटल करवाया वो आ जाएगा, और इसके बाद में जो बचे हुए करेक्टर हैं वो क्या है, एस टी आर ऑफ आई प्लस टू करना होगा ना, यहाँ पर आई प्लस टू करेंगे आगे जो भी करेक्टर्स हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या लिया है मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से मैंने ये अप्लाई किया हुआ है। देन हमने प्रिंट किया इसको, देन प्रिंट में आपको सिंपली एस टी आर को प्रिंट करवाना है, कन्वर्टेड स्ट्रिंग आ जाएगी, राइट। रन दिस कोड, जब हमने इसको रन किया, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, आपकी जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई है।
अब देखिए ये एक्चुअल में ये प्रोग्राम हो कैसे रहा है, अब उसकी बात करते हैं। इसको ड्राई रन करके देखते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इस केस में, इस वाले प्रोग्राम में हमने किया क्या, कैसे हुआ है ये देखिए। देखिए सिंपली सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी स्ट्रिंग को एंटर किया उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, पूरी स्ट्रिंग को। आपने चाहे क्यों किया एसटीआर, तो एसटीआर के पास में कंटेंट क्या आ गया, जो भी आपकी स्ट्रिंग है, जैसे आपने सपोज दैट कंप्यूटर सिस्टम ही लिया था एस के पास में कैपिटल और स्मॉल के फॉर्मेट में, लेकिन अब इसके पास में क्या आ गया, कंप्यूटर सिस्टम, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स वैल्यूज की हम बात करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्पेस 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 15 हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखिए इस वाले स्टेप में क्या किया, आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। एस ऑफ जीरो डॉट अपर, तो हमने क्या किया, एस ऑफ जीरो सी था उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया और सी कैपिटल हो गया। अब एस टी आर ऑफ वन कॉलन, इसका मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू को इंक्लूड करते हुए आगे जितने भी करेक्टर हैं, आगे क्या है, पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी सी, बाकी स्ट्रिंग पूरी इसके साथ में कॉन्केट हो जाएगी, राइट। ये स्टेप क्लियर। देन सी एच के पास में क्या है, एक स्पेस है। अब इस सी एच के पास में जो स्पेस आ रहा है, सी एच के पास में फिलहाल क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स नथिंग इज देयर। देन फोर आई इन रेंज 1, L, 1, L का मीनिंग क्या हो गया, वन इंडेक्स वैल्यू से 1, 2, 3 अप टू 14 तक के करेक्टर्स को रिटर्न करवाएगा। इफ एफ एस ऑफ आई, अब एस ऑफ आई स्पेस कब रिटर्न करेगा, जब यहाँ पर आएगा, जब आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, इससे पहले ये वाली कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी जब तक इसको स्पेस नहीं मिलता है। जैसे ही इसको स्पेस मिला तो आई की वैल्यू क्या है, 8 है, तो अब हमें क्या करना है, इस एस को कैपिटलाइज करना है। तो हमने क्या किया, सी एच इक्वल टू एस प्लस एस आई प्लस वन, तो आई प्लस वन, आई की वैल्यू कितनी है 8, तो ये क्या हो जाएगा, एस को रिप्रेजेंट करेगा और सी एच के पास में क्या आ गया, सी एच के पास में कैपिटल एस आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एस ऑफ आई अपर लगाया हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट है एस टी आर ऑफ जीरो प्लस जीरो कॉलन आई प्लस वन, यानी कि जीरो से लेके आईथ इंडेक्स वैल्यू तक जो भी करेक्टर्स हैं वो सारे एस टी आर के पास में आ जाएंगे। इसके पास में क्या है, कंप्यूटर एंड स्पेस आईथ पोजिशन, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 8 है, तो आई प्लस वन 9 को रिटर्न करेगा, तो 0, 9 वाले जो करेक्टर्स हैं यानी कि 8 पोजिशन तक वो सारे कंप्यूटर पर आ गए। देन सी एच, सी एच की वैल्यू क्या है, कैपिटल एस, कैपिटल एस आ जाएगा। अब एस टी आर ओ 5 प्लस 2, आई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो एस ऑफ 10 कॉलन मीन्स वाई एस टी ई एम, वाई एस टी ई एम इसके आगे आ जाएगा। ये आपका प्रॉपर स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इस प्रोग्राम में किया क्या, हमने केवल स्पेस के लिए सर्च किया और जैसे ही उसको स्पेस मिल जाता है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाला जो करेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर देगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम ये स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम्स को किस तरह से यूज़ में लेना है। और मैंने ये कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर इंक्लूड किए थे जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी देखिए प्रोग्रामिंग तो एंडलेस है, इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं, सारे प्रोग्राम यहाँ पर कवर नहीं हो सकते हैं। सो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी हमने सब स्ट्रिंग के ऊपर काफ़ी स्लाइसिंग के ऊपर प्रोग्राम बनाए थे 3 और 4 पैटर्न के ऊपर। तो जैसे जैसे सिलेबस चलता है वैसे वैसे प्रोग्रामिंग की स्किल जो है वो डेवलप होती है। यदि आप खुद ट्राई करोगे उन प्रोग्राम्स को तो आपको भी वो आएंगे। यदि फिर भी आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक, बिकॉज द स्ट्रिंग यहाँ तक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग को आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रिंग्स में आपको केवल इतना ही कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लिस्ट इन पाइथन की। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू।